नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। देश भर में दशहरा पर्व को लेकर धूम मची हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई ऐसी जगह भी है जहां पर दशहरा पर्व मनाया ही नहीं जाता है। शिव नगरी बैजनाथ का नाम तो आपने सुना होगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में खीर गंगा घाट के लिए ये विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि बैजनाथ में आज भी रावण का मंदिर है और वो कुंड भी मौजूद है जहां लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिरों को काटकर कुंड में जला दिया था। शिव नगरी बेशक रावण को भूल गई हो, लेकिन भगवान शिव अभी भी अपने प्रिय भक्त रावण की भक्ति को नहीं भूल सकते। रावण की तपोस्थली रही बैजनाथ में इसका जीता जागता उदाहरण दशहरा पर्व है, जहां पूरे देश में दशहरे को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। रावण दहन किया जाता है, रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। वहीं शिव नगरी बैजनाथ एक ऐसा स्थान है जहां दशहरे के दिन रावण का पुतला नहीं जलता, और अगर कोई पुतला जलाने की कोशिश करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए रावण का पुतला कई सालों से बैजनाथ में नहीं जलाया गया है। माना जाता है कि शिव मंदिर में जो शिवलिंग मौजूद है, वो शिवलिंग श्रीलंकापति रावण अपने साथ लंका ले जा रहा था माया के प्रभाव से, लेकिन शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। हालांकि यहां दशहरा मनाने की कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन अंजाम अच्छा नहीं रहा। साल 1965 में बैजनाथ में एक भजन मंडली में शामिल कुछ बुजुर्ग लोगों ने उस समय बैजनाथ मंदिर के ठीक सामने रावण का पुतला जलाने की प्रथा शुरू की। इसके बाद भजन मंडली के अध्यक्ष की मौत हो गई थी और अन्य सदस्यों के परिवार पर भी घोर विपत्ति आ गई। इसके 2 साल बाद बैजनाथ में दशहरा पर्व मनाना पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके अलावा बैजनाथ से 2 किलोमीटर दूर पपरोला ठारू गांव में भी कुछ साल रावण का पुतला जलाया गया, लेकिन वहां पर भी कुछ समय बाद दशहरा पर्व को मनाना बंद करना पड़ा। अब मंदिर के पुजारी की बात करें तो मंदिर के पुजारी सुरेंद्र आचार्य, धर्मेंद्र शर्मा और संजय शर्मा ने बताया कि बैजनाथ शिव नगरी रावण की तपोस्थली है। महाबली रावण ने यहां कई साल तपस्या की थी। उन्होंने बताया कि शायद इसी प्रभाव के चलते रावण का पुतला जलाने का जिसने भी प्रयास किया वो मौत का शिकार हो गया। ये कारण है कि बैजनाथ में दशहरे के दिन आज भी पुतला नहीं जलाया जाता है, और आप यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पर दशहरा पर्व मनाने की जो प्रथा है उसका पूरी तरह से अंत हो चुका है। वहीं बैजनाथ को लेकर एक और बात भी काफी चर्चा में रहती है। बैजनाथ में वर्तमान में करीब 700 के करीब दुकानें हैं, लेकिन सबसे विचित्र बात यह है कि यहाँ आपको कोई भी सुनार की दुकान नहीं मिलेगी। माना जाता है कि कोई भी यहाँ पर सुनार की दुकान अगर खोलता है तो उसका व्यापार तबाह हो जाता है या फिर दुकान चल ही नहीं पाती है। यहाँ तक कि सोना भी काला पड़ना शुरू हो जाता है। माना जाता है कि यहाँ 2 बार सुनार की दुकानें खोली गई, लेकिन दुकान नहीं चल पाई। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार सुनार वेश बदलकर विश्वकर्मा के रूप में आ गया और जगत जननी को ठगने की कोशिश की। जब इस बात का भगवान भोलेनाथ को पता चला तो उन्होंने शराप दे दिया कि तुम इस स्थान पर कभी भी फल फूल नहीं पाओगे, और इसके बाद यहाँ पर आज तक कोई भी सुनार की दुकान नहीं चल पाई। मंदिर के पुजारी क्या कुछ कहते हैं पूरे मामले को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। गवाह है ये प्राचीन मंदिर हिमाचल की बहुत बड़ी धरोहर है, राष्ट्रीय स्मारक भी माना जाता है इसको। यहाँ पर रावण ने कई हजार वर्ष तप किया था।
सहस्र वर्षाणि विजयनाथस्य शंकरस्य मंदिर रावणः तपस्यां कुर्यात्। चंद्रपीठ के एक श्लोक में लिखा हुआ है कि रावण ने यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्वविजयी होने का तप किया, नौ बार सिर काट के अर्पण किया था, नौ बार सिर जुड़ गया था। इस क्षेत्र को आज से हजारों वर्ष पहले विजयनाथ कहा जाता था। विजयनाथ का शब्द उठकर बैजनाथ बना, जो वास्तविक भगवान का नाम है उनका नाम वैद्यनाथ है, चिताभूम वैद्यनाथ के नाम से जान जाते हैं वास्तविक नाम, लेकिन लोग ज़्यादातर लोग इनको बैजनाथ बाबा के नाम से ही जानते हैं। रावण ने यहाँ पर बैठ के तप किया और नौ बार सिर काट के अर्पण किया, सिर कटता था और जुड़ जाता था। रावण ने फिर जब नौवीं बार वो सिर को काटने लगा तो भगवान आशुतोष प्रकट हुए, कहा रावण मांगू क्या चाहिए, तो रावण ने कहा भगवान मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा मैं लंका नहीं जा सकता, तो रावण ने कहा मेरी तपस्या का फल आपको देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ठीक, तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम्हें एक विग्रह प्रकट करके दूंगा। यहाँ जो विग्रह है, जो मूर्ति है भगवान की, वो दो भागों में विभाजित है, शिव और शक्ति दोनों अर्ध नारीश्वर। पूरे भारत में सैया नहीं लगती है, यहाँ पर सैया लगती है, शयन स्नान होता है, रात को श्रृंगार होता है और भगवान को विस्तरा लगाया जाता है। यहाँ का प्रसाद ग्रह है, केवल बैजनाथ मंदिर में यहाँ का प्रसाद चनेउर पूरी का शाम को प्रसाद लगता है, सुबह ड्राई फ्रूट का प्रसाद लगता है, सब उसको लेते हैं, यहाँ का प्रसाद भी ग्रह है। तो रावण यहाँ से जब भगवान ने विग्रह प्रकट करके दिया तो वो लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में उनको देवता लोग नहीं चाहते थे ये रावण लंका ले जाएँ, तो उन्होंने वरुण देवता का आह्वान कर दिया उनके पेट के अंदर। उनको रास्ते में लघु शंका लगी, वो वायुयान से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि ग्वाला गुमा चला रहा है। बिहार में एक झारखंड नामक स्थान था, झाड़ियाँ थी, जंगल था, उस जंगल में एक वैजू नाम ग्वाला गुमा चला रहा था। तो रावण ने ऊपर से अंतरिक्ष यान से देखा इससे अच्छा भोला पात्र कोई नहीं है, तो उन्होंने विग्रह जो था वो नीचे उतर कर उस ग्वाले के पास दे दिया, सभी लोग शंका चले गए। लघु शंका भगवान की माया थी, उस माया में व्याप्त रावण भूल गया, विग्रह भारी होता गया और उसने वहीं रख दिया ग्वाले ने। तो जब रख दिया तो स्थापित हो गया, उन्होंने उखाड़ के ले जाना चाहा, तो आकाशवाणी की रावण तुम मेरे से विग्रह को हार नहीं ला सकते क्योंकि मैं अब स्थापित हो गया हूँ।